नूडल, इटालियनो इटालियन डिलाइट कप नूडल्स, इटालियन स्टाइल के नूडल हैं ये। सो मैंने बेसिकली कभी भी कोई इटालियन डिश ट्राई नहीं करी है, और ये कप नूडल्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैं मतलब एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके आप लोगों के लिए रोज़ नया एपिसोड लेके आ रही हूँ। सो ये सेकेंड एपिसोड है मेरे नूडल वूडल चैलेंज का, साइड कप नूडल। ये बेसिकली नूडल जो है ये इटालियन फ्लेवर के हैं। मैंने कभी भी कोई इटालियन डिश ट्राई नहीं की है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने ये नूडल्स ट्राई किए हैं? जिस जिसको ये पसंद है कमेंट अ ब्लू हार्ट, जिसको नहीं पसंद है वो कमेंट करो येलो हार्ट। जब तक मैं कर रही हूँ कप को ओपन, आप कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो कप के ऊपर ना इसको बनाने का सारा तरीका लिखा होता है, मैंने एज इट इज उसको फॉलो किया है बस। तो वैसे ही मैंने पानी गर्म कर लिया है। कप को ओपन करते हैं ना, इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी यार। तो अभी ना मैं डाल दूँ कप के अंदर पानी, और मैं कप के अंदर पानी डालने के बाद इसको वापस से बंद कर दूंगी, और 3 मिनट का फिर मुझे करना है वेट, तब तक ये नूडल्स हो जाएंगे कुक। तो जब तक ये नूडल कुक हो रहे हैं, आप कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और तो अगर आपको मेरा ये चैलेंज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ जुड़े रहो, ताकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँ। तो चलो अभी 3 मिनट्स हो गए हैं कंप्लीट, करते हैं इस नूडल के कप को ओपन। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये नूडल्स हो गए हैं कुक, विद द हेल्प ऑफ फोक मैं इसको करने वाली हूँ मिक्स। अच्छे से मिक्स कर देने हैं ताकि जो बचे खुचे नूडल्स हैं वो भी पक जाएं। तो कितने अच्छे लग रहे हैं यार ये नूडल्स, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही थी इनमें से, कोई ज़्यादा मसाला भी नहीं था इसमें, काफ़ी अच्छा था ये इटालियन फ्लेवर। तो मैं करने वाली हूँ अभी इसको टेस्ट। तो टेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी टेस्टी हैं, ना तो ज़्यादा इसमें मसाला है और ना ज़्यादा मिर्ची है, मतलब सो सो सा सब कुछ है और बहुत यमी है यार। ये वाला फ्लेवर बहुत मस्त है, आपको ट्राई करना चाहिए, चिली चुली वगैरह सब छोड़ के। तो इसमें ना स्वीट कॉर्न भी थे छोटे छोटे से, वो भी ना ऐसे मतलब बहुत अच्छा स्वीट स्वीट सा टेस्ट दे रहे थे। तो ओवरऑल इसका जो सूप बना था ना, मैंने वो भी ट्राई किया, तो सूप तो बहुत यमी था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे साथ बने रहो इस नूडल चैलेंज में।